हेलो एवरीवन, क्लास ट्वेल्थ की जो चैप्टर है 9 इंटीग्रल वाली, तो उसके एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिए थे। अब देखते क्वेश्चन नंबर 5 को। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें देखो जो रूट में नंबर आ रहा है ना, ये थोड़ा दिक्कत कर सकता है ना, तो इस दिक्कत को मिटनी है। और वो कैसे मिटेगी, आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा डिनोमिनेटर का, तो वही मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ। 1/√x + 2 − √x + 1 रेशनलाइज करें तो क्या मिलेगा, x + 2 डेनोमिनेटर का करें √x + 1 अपॉन √x + 2 प्लस √x + 1 dx। तो ऊपर तो आ रहा है √x + 2 प्लस √x + 1 और नीचे आ रहा है a − b × a + b, a² − b², तो इसका स्क्वायर करेंगे रूट कैंसिल हो गया, −b², स्क्वायर स्क्वायर करेंगे रूट कैंसिल, लेकिन आगे माइनस है तो साइन चेंज, −x − 1 dx। तो ये आ गया √x + 2, ये तो कैंसिल, 2 − 1 1 अपॉन 1 लिखो या ना लिखो, dx प्लस √x + 1 dx। अब इसकी एक्सपोनेंट क्या है, 1/2 है ना, इसकी एक्सपोनेंट भी 1/2 है और अंदर क्या है, लीनियर है, ठीक है। तो इसका चेन रूल अप्लाई करते हैं, वो क्या आएगा, इसकी एक्सपोनेंट क्या है रियल में, 1/2 है ना, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा x + 2 raised to power 1/2, तो ऑलरेडी है, +1 करेंगे तो 3/2 और अपॉन 3/2 यानी 2/3 प्लस सेम यहां पे 2/3 x + 1 raised to power 3/2 प्लस आर्बिटरी कॉन्स्टेंट c। यहां से ज्यादा आप क्या कर सकते हो, 2/3 कॉमन ले सकते हो। अब जो बच गया उसको ब्रैकेट के अंदर लिख दो, x + 2 raised to power 3/2 प्लस x + 1 raised to power 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट c, ये आपका आंसर। जो सेकंड वाला पार्ट है ये बीसी फॉर्म में है, तो इसको भी रेशनलाइज करते पहले डिनोमिनेटर का, 1/√2x + 1 + √2x + 2 रेशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर का, तो यहां पे माइनस प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2x + 1 − √2x + 2 और नीचे भी यही टर्म √2x + 1 − √2x + 2 किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में, तो लिखा मैंने dx। अब न्यूमरेटर में तो आ रहा है 2x + 1 रूट के अंदर −√2x + 2 और नीचे आइडेंटिटी बन चुकी है a + b × a − b, a² − b² यानी इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो जैसे स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, आगे माइनस है तो साइन चेंज, −2x − 2 dx। ऊपर आ रहे हैं 2x + 1 − √2x + 2 और नीचे क्या मिलेगा, देखो 2x कैंसिल हो गया, 1 − 2 − 1 dx, ठीक है। अगर मैं यहां से माइनस साइन कॉमन ले लूं न्यूमरेटर से, तो वो माइनस इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी ये टर्म पॉजिटिव और ये टर्म नेगेटिव आएगी, ठीक है, और सेपरेट इंटीग्रेट करेंगे इनको, 2x + 2 रूट के अंदर, ये तो पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो जाएगा, कब, जब मैं माइनस कॉमन लूंगा तब। अब वो माइनस कहां गया, वो इससे कैंसिल हो गया, −2x + 1 रूट के अंदर dx और ये लीनियर है ना, ठीक है, तो उस केस में चेन रूल अप्लाई करेंगे और वो चेन रूल क्या है, इसके एक्सपोनेंट क्या है, 1/2 है ना, तो 2x + 2 raised to power 1/2 + 1 3/2 अपॉन 3/2 रेसिप्रोकल करने पे मिलेगा 2/3 माइनस, हाँ इसका एक चीज और रह गया, जो x का कोफिशियंट है वो अपॉन में आएगा, तो उसको मैंने अपॉन में लिखा, ये 2 इससे कैंसिल हो गया। अब इसको सोल्व करते हैं तो ये आएगा 2x + 1 raised to power 3/2 और ये आएगा 2/3 और जो इसका कोफिशियंट है वो अपॉन में आएगा 2, ये 2 इससे कैंसिल प्लस आर्बिटरी कॉन्स्टेंट c, ठीक है। अब इनको तमीज से लिखना है, यहां से 1/3 कॉमन आ रहा है, जैसे ही 1/3 कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा 2x + 2 raised to power 3/2 −2x + 1 raised to power 3/2 प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट c, ये आपका आंसर। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट ये भी उसी फॉर्म में है, तो इसको भी रेशनलाइज करते पहले डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करेंगे, 2x अपॉन रूट के अंदर है a + x और प्लस फिर से रूट के अंदर आ रहा है a − x, रेशनलाइज करने पे क्या मिलेगा, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे तो a + x रूट के अंदर −√a − x और इसी से नीचे डिवाइड करना है, यानी a + x − √a − x dx। अब
नीचे आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर a प्लस एक्स माइनस इसका स्क्वायर, आगे माइनस है तो साइन चेंज, a नेगेटिव और x पॉजिटिव हो जाएगा, ये a कैंसिल हो गया आपकी बार, और ऊपर क्या रहा है 2x इंटू ए प्लस एक्स रूट में और माइनस रूट ए माइनस एक्स, ये बचा हुआ है डी एक्स, नीचे आ गया एक्स प्लस एक्स टू एक्स, वो टू एक्स इससे कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, कुछ नहीं नीचे, बस ये बच गया, सेपरेट इंटीग्रेट करेंगे इनको, ए प्लस एक्स डी एक्स माइनस रूट के अंदर ए माइनस एक्स डी एक्स, और ये दोनों लीनियर है, चेन रूल अप्लाई करेंगे, इसके एक्सपोनेंट क्या है, वन बाई टू है ना, तो इंटीग्रेट करने पे क्या मिलेगा, a प्लस एक्स राइज टू पावर 1 बाई टू, तो ऑलरेडी है प्लस 1 करेंगे तो 3 बाई टू, और अपॉन अपॉन क्या लिखें 2 बाई 3 बाई टू, तो रेसिप्रोकल होने के बाद आएगा 2 बाई 3, यहां से क्या मिलेगा माइनस a माइनस एक्स राइज टू पावर 3 बाई टू अपॉन 3 बाई टू यानी 2 बाई 3। अब ये यहां पे देखो x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो प्लस 1 अपॉन में लिखो या ना लिखो, यहां पे क्या है माइनस, तो माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो वो माइनस इसको प्लस कर देगा प्लस सी। अब यहां से 2 बाई 3 कॉमन आ रहा है तो उसको कॉमन ले लो, जो बचेगा वही आंसर 2 बाई 3 के साथ, 3 बाई 2 प्लस ए माइनस एक्स 3 बाई 2 प्लस सी, ये आपका आंसर। जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के जो इंटीग्रल्स हैं वो फाइंड करने हैं, लेकिन ये सिंपल वाले नहीं है, जो बेसिक रूल थे अप्लाई, तो बेसिक तो वही है इनका भी, लेकिन यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है ना वो आपको एक से ज्यादा मिलेगी, ठीक है, तो उस केस में आपको इनको लीनियर में चेंज करना होगा, जैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है ना, इसको लीनियर में चेंज करेंगे मतलब एक्सपोनेंट वन लेके आएंगे, अब वो चाहे साइन से कोस में आए, टेन में आए, किसी में भी आए, ठीक है। अब देखो कोस टू एक्स की एक आइडेंटिटी है साइन में, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, यहां पे साइन स्क्वायर एक्स है, ठीक है, और ये जो भी है वो लीनियर है ना, एक्सपोनेंट वन है ना उसकी, तो इस साइन स्क्वायर एक्स को इसी लीनियर फॉर्म में चेंज करेंगे, तो मैं इसको इधर लेके आऊं तो क्या लिखूं, टू साइन स्क्वायर एक्स इक्वल वन माइनस कोस टू एक्स, लेकिन यहां पे टू नहीं है तो टू से डिवाइड कर दो, यानी साइन स्क्वायर एक्स इक्वल वन माइनस कोस टू एक्स बाई टू, ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स को ये वाला लिखना है, ओके, और ये आपको ध्यान में रखना है, सेकेंड चैप्टर में आपने पढ़ा था, सेवंथ में भी मैंने करवाया था, साइन स्क्वायर एक्स को लिखा था वन माइनस कोस टू एक्स अपॉन टू, कई जगह है ये फॉर्मूला ना, ऐसे ही अगर कोस का होता तो यहां पे प्लस आ जाता, ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखने हैं, बार बार यूज होंगे। साइन स्क्वायर एक्स को अब मैं इस फॉर्म में लिखूंगा जो कि लीनियर फॉर्म है, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, इस फॉर्म में लिखना है वन माइनस कोस टू एक्स अपॉन टू डी एक्स, अब 2 से सेपरेट डिवाइड करो, 1 के अपॉन में करेंगे 1 बाई टू डी एक्स, और सेपरेट इंटीग्रल फाइंड करेंगे इनका 1 बाई टू कोस टू एक्स, ठीक है, 1 बाई टू कॉन्स्टेंट है, डी एक्स का आ गया x, 1 बाई टू आगे ले लो, और कोस का क्या आएगा साइन टू एक्स, ठीक है, और x का जो कोफिशेंट है वो अपॉन में आएगा प्लस कॉन्स्टेंट c, ये बन गया 1 बाई फोर, 1 बाई टू एक्स माइनस 1 बाई फोर साइन टू एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर है। और ज्यादा क्या सोल्व कर सकते हो, वन बाई टू कॉमन ले लो, ठीक है, वन बाई टू कॉमन लेंगे तो क्या आएगा एक्स माइनस साइन टू एक्स प्लस सी, ये आंसर। यहां से वन बाई टू कॉमन लिया ना तो अपॉन टू बचेगा, ठीक है, और आगे ये हो सकता है कि साइन टू एक्स को आप लिख सकते हो टू साइन एक्स कोस एक्स, वो टू कैंसिल हो जाएगा, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, जैसा आपको उचित लगे, इन तीनों में से कोई भी कर सकते हो, सिंपलेस्ट फॉर्म ही है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो क्यूबिक में आ रहा है ना, तो क्यूबिक में है तो साइन थ्री एक्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अगर कोस क्यूब होता तो कोस थ्री एक्स का अप्लाई करते ही, अब जो साइन थ्री एक्स होता है वो आपको पता होना चाहिए, इलेवंथ क्लास में पढ़ चुके हो, थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन क्यूब एक्स, अब ये जो साइन क्यूब है ना इसके अगर मैं वैल्यू फाइंड करूं तो साइन वगैरह में 3x में है चाहे x में आएगी तो लीनियर ना, उसके एक्सपोनेंट तो दोनों में 1 ही है ना, ठीक है, तो यहां से ये वाली टर्म फाइंड करनी है, ये x sin x sin क्यूब x फाइंड करना है मेरे को, तो इसको इधर लेके आओ, पॉजिटिव हो गया 4 sin क्यूब x, ठीक है, ये 3 sin x, और ये इधर आएगा तो माइनस sin 3x, अब यहां पे 4 तो नहीं है तो 4 से डिवाइड कर दो, sin क्यूब x इक्वल
थ्री साइन एक्स माइनस साइन थ्री एक्स अपॉन फोर। तो इस साइन क्यूब के बदले मेरे को ये वैल्यू पुट करनी है जो कि लीनियर में आ रही है, और लीनियर में है तो इसका इंटीग्रल फाइंड करना इजी हो जाएगा। साइन क्यूब एक्स डी एक्स, अब साइन क्यूब एक्स की वैल्यू क्या है वो लिखो, ये वाली। तो वन बाई फोर तो मैं बाहर लिख रहा हूं, थ्री साइन एक्स माइनस साइन थ्री एक्स डी एक्स, ठीक है। वन बाई फोर, थ्री साइन एक्स को इंटीग्रेट करते तो क्या आता है माइनस कोस एक्स, माइनस साइन थ्री एक्स का माइनस कोस थ्री एक्स तो वो हो गया प्लस कोस थ्री एक्स। अब जो कोफिशियंट है ना एक्स का वो अपॉन में आएगा, तो मैंने लिखा अपॉन थ्री प्लस सी। या तो यहां तक छोड़ दो या फिर आप एलसीएम ले लो थ्री और उस थ्री को बाहर कर दो, वन बाई ट्वेल्व बन जाएगा। तो अंदर आएगा कोस थ्री एक्स ये वाला माइनस थ्री इंटू थ्री नाइन कोस एक्स प्लस सी, जो आपको उचित लगे वो आप कर सकते हो, दोनों सिंपलेस्ट फॉर्म में। नेक्स्ट जो पार्ट है वो फिर से आ गया साइन स्क्वायर, अब एक्स बन के नहीं आया, अब बी एक्स बन के आ गया, ठीक है। जो एंगल था वो अब की बार बी एक्स आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखो, आप फर्स्ट पार्ट में आपने किया था साइन स्क्वायर एक्स, उसको कोस की फॉर्म में लीनियर फॉर्म में लिखा था, तो क्या आया था वन माइनस कोस टू एक्स अपॉन टू, ये आया था ना। अब यहां पे एंगल क्या है, साइन स्क्वायर एक्स नहीं है बी एक्स है, तो यहां पे बी एक्स है तो यहां पे भी हो गया टू बी एक्स, ठीक है। ये आपको अप्लाई करना है साइन स्क्वायर बी एक्स, उसके बदले क्या लिखूं मैं वन माइनस कोस टू बी एक्स अपॉन टू। इस बी को अंदर डालने से कोई फर्क थोड़ी ना पड़ा है, तो लीनियर अभी भी, ठीक है, कॉन्स्टेंट ही तो है। सेपरेट इंटीग्रेट करेंगे वन बाई टू, सेपरेट डिवाइड करो टू से, वन बाई टू डी एक्स माइनस वन बाई टू को बाहर करो कॉस टू बी एक्स डी एक्स। अब वन बाई टू कॉन्स्टेंट है, ठीक है, डी एक्स का आ गया एक्स माइनस वन बाई टू, कॉस का क्या आएगा साइन टू बी एक्स। अब जो x का कोफिशियंट है इंटीग्रेशन में वो अपॉन में आता है ना, वन बाई टू बी नीचे आएगा, तो अपॉन टू बी डी एक्स नहीं सॉरी प्लस कॉन्स्टेंट सी। वन बाई टू कॉमन ले लो, x माइनस वन बाई टू कॉमन आ गया साइन टू बी एक्स अपॉन टू बी प्लस सी, ये आपका आंसर। इस फोर्थ पार्ट में एक्सपोनेंट फोर आ रही है, ठीक है, और फोर की आइडेंटिटी हमको नहीं पता, लेकिन टू की तो पता है ना, स्क्वायर की पता है, उसी बेस पे फाइंड कर लेंगे फोर की भी। तो इसको मैं लिख सकता हूं कोस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। अब कोस स्क्वायर एक्स को लीनियर में चेंज कर सकते हैं, कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है यहीं पे लिख देता हूं मैं, वन प्लस कोस टू एक्स अपॉन टू। साइन स्क्वायर होता तो यहां पर माइनस, कोस स्क्वायर है तो प्लस, ठीक है, होल स्क्वायर है होल स्क्वायर। अब a प्लस बी होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दो, ये वन बाई टू बाहर आएगा तो फोर बन के आएगा, स्क्वायर था ना। अब अंदर इसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। अब इसका और इसका तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि लीनियर है, ये कांस्टेंट है, ये स्क्वायर में आ गया, कोस स्क्वायर एक्स फोर में आ रहा है, तो कोस स्क्वायर एक्स को मैंने ये फॉर्म में लिखा था ना, इसी फॉर्म में इसको लिखूंगा, वन बाई फोर वन प्लस टू कोस टू एक्स प्लस। अब ये आ गया कोस स्क्वायर टू एक्स, तो इसको क्या लिखू, कोस स्क्वायर एक्स को लिखा था मैंने वन प्लस कोस टू एक्स अपॉन टू, इस एंगल का डबल, तो यहां पे एंगल क्या है टू एक्स है, तो टू एक्स का डबल फोर एक्स लिखूंगा, यानी वन प्लस कोस फोर एक्स अपॉन टू, ठीक है। यहां पे स्क्वायर इसलिए किया क्योंकि कोस स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू थी उस पर स्क्वायर था, यहां पे कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू है उसके ऊपर स्क्वायर नहीं है, ठीक है, तो यहां तक छोड़ देना। और डी एक्स वन बाई फोर इंटीग्रेट करते इनको, तो वन का आएगा एक्स, वन बाई फोर सभी में कॉमन है, प्लस इसका क्या आएगा टू कोफिशियंट एज इट इज, कोस टू एक्स का हो गया साइन टू एक्स, और ये जो टू है ये अपॉन में आएगा, ये इससे कैंसिल, प्लस यहां से वन बाई टू आ रहा है ना, सेपरेट डिवाइड करेंगे तो वन बाई टू का क्या आएगा वन बाई टू एक्स, और इसके अपॉन में भी टू है तो उसको लिखा पहले तो, और कोस फोर एक्स का क्या आएगा साइन फोर एक्स, और जो एक्स का कोफिशियंट है फोर वो अपॉन में आएगा, ठीक है, कंप्लीट हो गया प्लस सी प्लस सी। अब इसको और कैसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस हाफ एक्स थ्री एक्स बाई टू, वन बाई फोर थ्री एक्स बाई टू,
और ये बन गया 1 बाई एट साइन 4x, 1 बाई एट साइन 4x, और एक ये बचा रह गया, ठीक है, और ये क्या है साइन 2x ओनली, प्लस साइन 2x प्लस सी, और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, नहीं आ रहा छोड़ दो, चाहो तो आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, कोई फायदा तो नहीं, बस ये सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब की बार आपको एक्सपोनेंट फॉर्म में साइन फंक्शन दे दिया, ठीक है, तो इसको भी जैसे कोस को किया था वैसे ही करना है। एक्सपोनेंट 2 की आइडेंटिटी पता हमको ना, तो इसको 2 फॉर्म में लिखेंगे, उसमें एंगल एक्स था यहाँ पे 2x है, उससे मत घबराओ आप, ये एक्सपोनेंट हो गया कंप्लीट पे 2 और dx। अब साइन स्क्वायर एक्स की आपको आइडेंटिटी लिखनी है जो कि लीनियर में आए, और वो क्या थी, फर्स्ट पार्ट में आपने देखा था साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखा था, 1 माइनस कोस जो यहाँ पे एंगल है उसका डबल यानी 4x अपॉन 2, और यहाँ पे होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर किया। अब इसको एक्सपेंड करना है 1 बाई 2 स्क्वायर 1 बाई 4, उसको मैंने बाहर लिखा, और ये बन गया a माइनस बी होल स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करने पे मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 कोस 4x, ठीक है dx। अब ये दोनों तो सॉल्व हो जाएंगे, एक तो कांस्टेंट है और एक लीनियर में आ रहा है, ठीक है, ये फिर से क्वाड्रेटिक आ रहा है, तो इसको लीनियर में चेंज करेंगे 1 बाई 4। यहां पे आप सोच रहे हो कि मैंने चेन रूल अप्लाई क्यों नहीं किया यहां पे, क्योंकि वो जो बेस था ना, वो चेन रूल किसके लिए था, मैंने फर्स्ट वीडियो में ही बता दिया था, वो चेन रूल एलजेब्रिक के लिए, ठीक है, और एलजेब्रिक में भी लीनियर, ओके, जैसे एक्स प्लस 3 उसकी एक्सपोनेंट 7 कुछ भी हो, ठीक है, तो इसके लिए चेन रूल एप्लीकेबल है। यहाँ पे जो x का कोफिशेंट है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसकी एक्सपोनेंट 1 होनी चाहिए, कोफिशेंट कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्सपोनेंट 1 होनी चाहिए, ठीक है, इसी को लीनियर बोल रहा हूं मैं बार बार, ओके। तो भाई यहां पे क्या आएगा, 1 बाई 4, और इसको इंटीग्रेट कर लेंगे इजीली, इसको और इसको, तो इन दोनों को मैं एक साथ लिखता हूं। अब दिक्कत है इसकी है ना, तो इसको कैसे सोल्व करें, ये क्या रहे स्क्वायर में है ना, तो इसको फिर से लीनियर में चेंज कर लो, और कोस स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस कोस इस एंगल का डबल 8x अपॉन 2 dx। अब सेपरेट इंटीग्रल फाइंड करेंगे इनका, 1 का आ गया x माइनस 2 कोस 4x का आएगा साइन 4x, और जो कोफिशेंट है उसको अपॉन में लिखेंगे 4 प्लस 1 बाई 2 सेपरेट डिवाइड करने पे मिलेगा 1 बाई 2x, और 1 बाई 2 इसके अपॉन में भी है यानी 1 बाई 2 कोस 8x का आएगा साइन 8x, और कोफिशेंट जो है वो अपॉन में आएगा प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट c। हाँ ये फिर से सोल्व हो रहे हैं, 1 बाई 4 x प्लस हाफ x 3x बाई 2, और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा तो बनेगा साइन 4x अपॉन 2, और ये बन गया साइन 8x अपॉन 8 उजा 16 प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट c, ठीक है, बस इससे ज्यादा सोल्व क्या होगा। हाँ एक चीज और, यहां से आप 2 कॉमन ले सकते हो, ठीक है, वो इसको 8 कर देगा, ये 2 हट जाएंगे, यहां पे 8 हो जाएगा, ओके, ये आप खुद से कर लेना। इस क्वेश्चन का लास्ट 6th पार्ट, इसमें अब की बार दोनों साइन और कोस प्रोडक्ट फॉर्म में है और उनके एक्सपोनेंट भी 4 है, तो इस केस में क्या करेंगे, जैसे करते हैं वैसे करेंगे, पावर 4 को ब्रेक किया था 2 में, ऐसे इसको करना है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर ही तो है ये। अब इनको लीनियर में चेंज किया था, वही प्रोसेस, इसको क्या लिखे, 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2 आ गया लीनियर में, इंटू 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2 कंप्लीट पे होल स्क्वायर है होल स्क्वायर, नीचे बन गया 2 into 2 4 और 4 square 16 यानी 1 upon 16 तो बाहर आ गया, अंदर क्या है a minus b into a plus b a square minus b square और उसका भी square था, ठीक है। अब ये 1 minus cos square theta 4 में ना, तो 1 minus cos square क्या है sin square, तो इसको लिखा मैंने sin square 2x whole square। अब देखोगे आप ये क्या बन गया sin rise to power 4 2x बन गया ना, जो कि पिछला क्वेश्चन था, ठीक है, उसमें शायद x था यहां पे 2x है, घबराना नहीं इससे। 1 बाई 16 इसको लीनियर में चेंज करो, और इसको लीनियर में क्या लिख सकते हैं, साइन है तो माइनस में आएगा यानी 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2, एंगल डबल होएगा ना, यहां पे ऑलरेडी 2 है तो 4 हो जाएगा, और उसका होल स्क्वायर
डी एक्स, ये क्या है 1/4 है ना, 12 आएगा तो 1/64, और ये बन गया, इसको एक्सपेंड कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 cos 4x dx। अब ये कांस्टेंट है इसका हो जाएगा, ये लीनियर है इसका हो जाएगा, ये स्क्वायर में आ गया, तो इसको फिर से लीनियर में चेंज करेंगे, ठीक है। तो 1/64 एज इट इज, 1/64 1 minus 2 cos 4x और प्लस कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर को क्या लिखें, कोस स्क्वायर है तो प्लस में आएगा, यानी 1 प्लस कोस एंगल का डबल करना है, 1 प्लस कोस इस एंगल का डबल करो 8x अपॉन 2 dx। अब इनको इंटीग्रेट करेंगे 1/64 एज इट इज, और 1 का क्या आएगा x माइनस 2 कोस 4x का साइन 4x, लेकिन जो x का कोफिशेंट उसको अपॉन में लिखते हैं, प्लस ये क्या 1/2, और 1/2 का क्या आएगा 1/2x, और cos 8x/2 है ना, तो 1/2 लिखा मैंने पहले, तो ये 1/2 cos 8x का sin 8x, और जो 8 है वो अपॉन में आएगा, प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी 1/64 x प्लस हाफ x 3x/2 प्लस ये कैंसिल 2 टाइम sin 4x अपॉन 2, और ये बन गया 1/16 sin 8x, यानी sin 8x/16 प्लस सी, ठीक है। और ज्यादा ज्यादा क्या कर सकते हो, यहां से 2 कॉमन ले लो, तो ये बनेगा 1 अपॉन 128 3x sin 4x sin 8x अपॉन 8 प्लस सी, ये आपका आंसर। सॉरी ये मिस्टेक हो गया मेरे से, ये माइनस था ना, मैंने इसको प्लस कर दिया, तो आप करेक्शन कर लेना, माइनस है ये, और साइन 4x, हाँ ये वाला माइनस है, ठीक है, ये त्रुटि हो गई थी मेरे से। क्वेश्चन नंबर 7 में जो भी पार्ट है ना, आपको साइन कोस इस फॉर्म में दिखेंगे, साइन कोस कोस साइन 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 या कोस कोस, ठीक है। तो उनके लिए आपको ये जो तीन मैं प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ, ये आइडेंटिटी जो आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो, ठीक है, वो अप्लाई करनी है, और मेरे को पता है आपको याद नहीं है, ठीक है, कर लेना, इनको काम आएंगी। 2 sin A cos B, ये होता है sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B। दूसरी क्या है, 2 sin A sin B cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। तीसरी 2 cos A cos B। वो है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, ठीक है। ये आइडेंटिटीज हैं, इन पर डिपेंडेड ये क्वेश्चंस हैं। तो भाई ये अगर मैं इसको A और इसको B लेट करूं तो ये बन गया sin A cos B, sin A cos B, एंगल अलग अलग होंगे, अगर सेम होते तो sin 2 थीटा बना लेते, ठीक है। तो sin A cos B फॉर्म है, लेकिन यहां पे sin A cos B के साथ क्या रहे 2, तो इसके साथ 2 हो तो मैं उस फॉर्म में लिख सकता हूं, और वो 2 नहीं है तो उसके लिए मैं मेरे को क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने तो 2 से डिवाइड, उसको मैंने आगे लिख लिया, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी वो वाली फर्स्ट वाली 2 sin A cos B 1/2, 2 sin A cos B क्या है, साइन ए प्लस बी, साइन दोनों को प्लस करो, ये ए और ये बी, 2x + 3x 5x, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी 2x - 3x - x dx। 1/2 साइन 5x, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, यानी माइनस साइन x dx। अब सेपरेट इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे इनका, 1/2 तो सभी के साथ है, साइन 5x इसका क्या आएगा माइनस कोस 5x, और जो 5 है कोफिशेंट वो अपॉन में आएगा, इसका क्या आएगा साइन x है ना, साइन x का माइनस कोस x, तो ये प्लस हो जाएगा कोस x,
प्लस सी, ये आपका आंसर। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे 2 मिल जाए तो 2 cos a cos b, लास्ट जो प्रॉपर्टी है वो अप्लाई कर देंगे, cos a plus b plus cos a minus b, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, 1 by 2, और ये हो गया 2 cos 3x cos 5x dx, 1 by 2, और इसको क्या लिख सकते हैं 2 cos a cos b फॉर्म में ना, cos a plus b plus cos a minus b, cos a plus b दोनों को प्लस करो 8x, प्लस कोस ए माइनस बी 3x माइनस 5x माइनस 2x है ना, और कोस में माइनस 2x का मतलब क्या है, प्लस कोस 2x ही होता है dx, 1 बाई 2। अब इंटीग्रेट करेंगे इनको सेपरेट, 1 बाई 2 सभी के साथ है, कोस 8x का साइन 8x और अपॉन 8 इसका साइन 2x अपॉन 2 प्लस c अपॉन 2 कॉमन ले लो, 1 बाई 4 साइन 8x अपॉन 4 क्योंकि 2 कॉमन लिया मैंने, प्लस साइन 2x, ये 2 अपॉन वाला तो कॉमन आ गया, प्लस सी, ये आपका आंसर। अब की बार जो थर्ड पार्ट है उसमें 3 टी रेशियोज आ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप तो 2 का पता है ना आपको, तो 2 को करो तीसरे को पढ़ा रहने दो, 1 बाई 2 इंटू 2 साइन एक्स साइन 2x, इनको मैं सोल्व कर लेता हूं, ठीक है, इसको बाद में देखेंगे, साइन 3x को dx, 1 बाई 2 ये बन गया 2 साइन ए साइन बी, ठीक है, 2 साइन ए साइन बी क्या आएगा, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, cos a माइनस बी यानी x माइनस 2x माइनस x, cos a माइनस बी x माइनस 2x माइनस x, और cos में माइनस x का मतलब प्लस cos x है, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी दोनों को प्लस करो 3x, साइन 3x dx। अब इस साइन 3x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 1 बाई 2 cos x साइन 3x माइनस साइन 3x cos 3x dx, ठीक है। ये यहां पे तो थीटा सेम है, अगर मेरे को यहां पे 2 मिल जाए तो 2 साइन थीटा cos थीटा साइन 2 थीटा बन जाएगा, ठीक है, तो इसमें तो ये अप्लाई करने की कोई जरूरत है नहीं, बच गया ये, है ना, इसमें cos a sin b ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है ये इसी फॉर्म में था, इसको मैं पहले लिख दूं तो ये क्या बनेगा sin a, और cos वाले को बाद में लिखूं तो ये क्या बनेगा b, यानी ये तो a और ये b फॉर्म में है, ठीक है, अगर मैं इसको पहले लिखूं तो sin a cos b वो वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, तो ये उसी फॉर्म में है, इसको a और इसको b लेट करेंगे, हाँ इसके साथ और इसके साथ 2 और चाहिए तभी आइडेंटिटी बनेगी ना, तो 2 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 से डिवाइड, तो ये जो 1 बाई 2 है ये तो बन जाएगा अब की बार 1 बाई 4, और ये बन गया 2 साइन 3x cos x, 2 को इससे मल्टीप्लाई करो 2 साइन 3x cos 3x dx, 1 बाई 4 ये बन गया 2 साइन ए कोस बी, 2 साइन ए कोस बी देखो फर्स्ट वाली आ गई ना, तो फर्स्ट वाली अप्लाई करनी है, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी यानी 3x प्लस x 4x, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी यानी 3x माइनस x 2x, और माइनस ये क्या बन गया साइन 6x, साइन 2 थीटा है ना ये उसी फॉर्म में, 2 इंटू थीटा 3x साइन 6x, और dx अब ये अलग अलग टर्म में आ गए, प्लस माइनस आ गया था ना, अब सेपरेट इंटीग्रेशन करेंगे इनका, 1 बाई 4 पढ़ा रहने दो, साइन 4x का आएगा माइनस कोस 4x अपॉन 4, इसका क्या आएगा माइनस साइन, साइन तो ऑलरेडी है, साइन का आएगा कोस में कोस 2x अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस साइन का आएगा कोस, माइनस था प्लस कर दिया, कोस 6x अपॉन 6 प्लस सी, कॉमन क्या आ रहा है अपॉन में 2 कॉमन आ रहा है, तो 1 बाई 8 हो जाएगा, और यहाँ पे ये प्लस का इसको लिख लो पहले, 1 बाई 3 कोस 6x, बाकी दोनों माइनस किए, माइनस कोस 2x और माइनस कोस 4x अपॉन 2 क्योंकि मैंने 2 कॉमन लिया है ना अपॉन से, प्लस सी, ये आपका आंसर। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, इसमें पिछले की तरह जैसे पिछले साइन में था, इसमें कोस में है और एंगल भी वही है अब की बार, है ना, x 2x 3x, तो
तो भाई सबसे पहले तो इन दोनों को सोल्व करता हूं मैं, तो उसके लिए 2 की कमी है, तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, 2 cos x cos 2x, मेरे को तो बस इनका पता है ना, तो इसको एज इट इज रखो, ये बाद में मल्टीप्लाई करने पे काम आएगा, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट फॉर्म है, इसको प्लस या माइनस में कैसे कन्वर्ट करें, तो उसके लिए देखो 2 cos a cos b बन गया, और 2 cos a cos b क्या है, cos a plus b plus cos a minus b, 1 by 2 into, इसको क्या लिखें, cos a plus b, दोनों को प्लस करो, प्लस cos a minus b, x minus 2x, minus x और cos में minus x मतलब cos x, into cos 3x dx, 1 by 2, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, ये बन गया cos स्क्वायर 3x, और ये बन गया cos x और cos 3x dx, ठीक है। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 1 by 2, तो 2 से डिवाइड भी करेंगे तो 1 by 4 हो जाएगा, अंदर आया 2 cos स्क्वायर 3x और 2 cos x cos 3x dx। अब देखो cos स्क्वायर x cos स्क्वायर 3x है ना, वो क्या होता है, 1 plus cos 6x by 2, यानी cos स्क्वायर x की जो फॉर्म है उसको बता रहा हूं लीनियर में चेंज करके, 1 plus cos 2x by 2, लेकिन यहां पे 2 ऑलरेडी है तो अपॉन 2 तो हटा देंगे, क्या बच गया, 1 plus cos 2 into ये एंगल, ठीक है, 1 by 4, ये कहां से आया, cos 2x की आइडेंटिटी से, cos वाली से, तो ये बनेगा 1 plus cos twice of angle 2 into 3x यानी 6x। अब इसका तो इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है, और इसमें आइडेंटिटी अप्लाई करनी पड़ेगी प्रोडक्ट फॉर्म में ना, तो ये बन गया 2 cos a cos b और 2 cos a cos b वही है, cos a plus b plus cos a minus b, cos a plus b दोनों को प्लस करो, प्लस cos a minus b दोनों को माइनस करो, माइनस आएगा ना 2x, और cos के लिए तो पॉजिटिव ही होता है dx। अब सेपरेट इंटीग्रेशन करेंगे, 1 by 4, यहां पे क्या आएगा, 1 का आएगा x और cos 6x का sin 6x upon 6, ऐसे इसमें sin 4x upon 4, हाँ cos ये आएगा sin 2x upon 2 plus c, कॉमन क्या आ रहा है, या तो आप एलसीएम ले लो, ठीक है, या कॉमन ले लो, एलसीएम ले लेता हूं मैं, अब की बात तो एलसीएम आएगा अंदर 12, उस 12 को मैंने लिखा बाहर, और वो जो 12 एलसीएम आया उससे क्या बनेगा, 12x plus 6 2 जाए यानी 2 sin 6x plus 4 3 जाए, इसको 3 से करो, 3 sin 4x 2 6 जाए, इसको 6 से करो, 6 sin 2x प्लस सी, ये आपका आंसर, ये क्या बन गया, 12 into 4 48, यानी 1 by 48 into ये टर्म, ये आपका आंसर।